नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहिन। अब आइए नजर डालते हैं ग्रैंड न्यूज के खास बुलेटिन पर। 5 साल में इतना विकास किया जितना 34 साल में मंत्री नहीं करवा पाए। देवेंद्र यादव भिलाई नगर भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे पर साधा निशाना। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, हर वार्ड और सेक्टर में विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। इसके अलावा वार्डों में सभा भी ले रहे हैं। उनके विश्वास यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, जो विधायक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। वहीं देर रात तक चल रही विधायक यादव की सभाओं में सिर्फ देवेंद्र यादव को सुनने उनसे मिलने के लिए हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम जमा हो रहा है। ऐसा ही 10 नवंबर को भी देखने को मिला। शुक्रवार को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव सेक्टर 6, सेक्टर 1, सेक्टर 10, सेक्टर 4 में विश्वास यात्रा निकाले। इस विश्वास यात्रा को जनता का भरपूर समर्थन मिला। लोग अपने घरों से निकलकर विधायक को आशीर्वाद दिए। लोगों ने विधायक यादव का पूरा समर्थन किया और विश्वास दिलाया कि वे पहले भी उनके साथ थे और अभी भी उनके साथ हैं। इस दौरान विधायक यादव ने बताया कि टाउनशिप और खुर्शीपार व छावनी में कई समस्याएं थी, लेकिन पहले के जो सेक्टर 9 वाले मंत्री जी थे, वे कभी अपने बंगले से बाहर निकलकर लोगों की समस्या नहीं सुनी। कैबिनेट मंत्री जैसे बड़े पदों पर रहे, लेकिन उन्होंने जनता से कोई सरोकार नहीं रहा। 2 साल कोरोना के आए, लोग बीमार हो रहे थे, रोजगार बंद हो गया था, खाने के लिए चावल नहीं था, तब भी नेता भी अपने बंगलों में मजे में रहे थे। और अब जब चुनाव आया है, तब वे घर से निकलकर लोगों से मिलने वार्ड वार्ड घूम रहे हैं। राष्ट्रीय इंटक के महासचिव ने दिया पूरा समर्थन। भिलाई नगर से कांग्रेस के गद्दावर प्रत्याशी व विधायक देवेंद्र यादव को जनता का समर्थन मिल रहा है। साथ ही उनके समर्थन में राष्ट्रीय इंटक के महासचिव व प्रदेश इंटक के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह भी मैदान में उतरेंगे। संजय सिंह ने देवेंद्र यादव को अपना और अपने पूरी संगठन की ओर से समर्थन दिया। साथ ही उनके साथ बैठक कर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बैठक की और कहा कि राष्ट्रीय इंटक और प्रदेश इंटक का उन्हें पूरा समर्थन है, वे सब उनके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे के पक्ष में भाजपा सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार अभिनेता मनोज तिवारी चुनावी रोड शो करने पहुंचे भिलाई नगर। बीजेपी सांसद एवं भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी आज दुर्ग जिले पर रहे। उन्होंने रोड शो के माध्यम से भिलाई नगर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे और वैशाली नगर प्रत्याशी रिकेश सेन के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। साथ ही मनोज तिवारी गाना के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा, कहा कि सीएम होकर सट्टा खेल रहे हैं। वहीं उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को तय करना है, उन्हें सट्टे वाली सरकार चाहिए या फिर विकास वाली। भाजपा नेता और सांसद तिवारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आकर सट्टा का खेल खेल रही है, जो जग जाहिर हो चुका है। ये सट्टा भी खेल रहे हैं, सनातन धर्म को नष्ट करने की योजना भी बना रहे हैं और यही लोग हमास जैसे आतंकी संगठन का समर्थन भी कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता अब यह सब नहीं चलने देगी। मीडिया से बात करते हुए कहा कि भिलाई नगर प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे को जीतकर छत्तीसगढ़ में बन रही भाजपा की सरकार में अहम भूमिका में रखा जाए, ऐसा भिलाई से प्रार्थना है। उन्होंने कहा कि अब तक मैं छत्तीसगढ़ में जहां जहां गया हूं, वहां की जनता गुस्से में कांग्रेस को हटाने की तैयारी में है। गुस्सा इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद सट्टा खेल रहे हैं, साथ ही महिलाओं को 1000 रुपए देंगे लेकिन जीतने के बाद भूल भी गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। इस बार छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। हम तो प्रेम प्रकाश पांडे जी के भारतीय जनता पार्टी के भिलाई के लोकप्रिय कर्मठ और टेस्टेड प्रत्याशी जिनका के सब कोई जानना चाहते प्रेम प्रकाश पांडे भैया खातिर रोड शो करके जा रहे हैं और सबसे प्रार्थना है कि हमारे प्रेम प्रकाश पांडे जी को जिताकर छत्तीसगढ़ में बन रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको एक प्रमुख भूमिका में रखा जाए, ऐसा मेरा भिलाई से प्रार्थना है। देखिए, पिछली बार तो हम भिलाई नहीं आ पाए थे, इस व्यस्तता में जो और मुझे भी लगा भी नहीं था, लेकिन अब भिलाई में हम लोग नहीं सक्सेसफुल हो पाए।
लेकिन इस बार हम जहां जहां गए हैं लोगों का भाव बता रहा है कि लोग गुस्से में कांग्रेस को हटाने की तैयारी में है। गुस्सा किस बात का है कि मुख्यमंत्री सट्टा खेल रहा है, गुस्सा किस बात का है महिलाओं को कि बोले 1000 रुपया देंगे और जीतने के बाद उसको भूल गए, गुस्सा इस बात का है कि बेरोजगारी भत्ता 500 रुपया देने की बात करी उसको भी भूल गए, और ये सब भूलने के बाद एकाक लोक लुभावन बातें करके उलझाए रखे, न कोई सड़कों की मरम्मत हुई, न तो कोई स्कूलों की, न कॉलेज की, न कुछ नया बना, ऊपर से सट्टा खेल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। पुलिस अधीक्षक दुर्ग रामगोपाल गर्ग के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के परिपेक्ष में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मीटिंग, चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के संबंध में की चर्चा। दिनांक 11 नवंबर 2023 को 12 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग रामगोपाल गर्ग के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 भिलाई के सभागार में बैठक ली गई। बैठक में सीआरपीएफ कमांडेंट टीएम पेटे सुनील रही, सीआरपीएफ डीसी सौरभ कुमार, बीएसएफ से कमांडेंट पी जादू देवेंद्र, हिमादा राजेश सिंह तेजपाल, एमएस सैनी एवं एसएसबी आरपीएफ सीजीएसपी के अधिकारी, दुर्ग पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर अभिषेक झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनंत कुमार एवं समस्त राजपत्रित अधिकारी सम्मिलित हुए। बैठक में आगामी चुनाव एवं त्योहारी सीजन को देखते हुए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। माननीय चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के संबंध में चर्चा कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने एवं आम नागरिकों को शांतिपूर्ण वातावरण का एहसास दिलाने के साथ असामाजिक तत्वों में कानून का भय करने हेतु फिक्स पॉइंट, नाकेबंदी, फ्लैग मार्च, पैदल पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग संवेदनशील मतदान केंद्र की सुरक्षा आदि पर चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव एवं त्योहारी सीजन के मद्देनजर केंद्रीय सशस्त्र बल एवं पुलिस के द्वारा की गई पैदल मार्च। दिनांक 10 नवंबर 2023 को 6:30 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग रामगोपाल गर्ग के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव एवं त्योहारी सीजन के मद्देनजर छावनी एवं कुर्सीपार क्षेत्र में पैदल भ्रमण किया गया। पैदल भ्रमण में सर्वप्रथम छावनी क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया गया, जिसके बाद सराफा लाइन छावनी होते हुए लिंक रोड से जलेबी चौक तक पैदल पेट्रोलिंग की गई। तत्पश्चात खुर्सीपार क्षेत्र में भी पैदल भ्रमण किया गया। भ्रमण में सुरक्षा व्यवस्था के लिए असामाजिक तत्वों, गुंडे बदमाशों में कानून का डर बनाने हेतु, नशे के खिलाफ कार्रवाई करने, आगामी विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान हेतु तथा आम जनमानस को सुरक्षित माहौल का एहसास कराने पैदल करीबन 8 किलोमीटर भ्रमण किया गया। भ्रमण में नगर पुलिस अधीक्षक छावनी आशीष बंछोर एवं थाना प्रभारी खुर्सीपार व छावनी एवं केंद्रीय सुरक्षा बलों के 30 से अधिक जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चला है ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। इन टुडेज बिजी लाइफ यू कैनॉट अफोर्ड टू टेक टाइम आउट फॉर एवरीथिंग टू बी परफेक्ट फॉर योर मैरिज, and you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items, Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate, and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निर्दलीय विधायक प्रत्याशी जेपी यादव का जनसंपर्क जारी, कार्यकर्ताओं से की गई मारपीट, बैनर में चलाए ब्लेड। छत्तीसगढ़ में अगले सप्ताह विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसे लेकर प्रत्याशियों ने अब अपनी कमर कस ली है। अलग अलग राजनीतिक पार्टी के नेताओं द्वारा लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में वैशाली नगर विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश यादव के द्वारा भी निरंतर जनसंपर्क किया जा रहा है। इस बीच उनके कार्यकर्ताओं से मारपीट भी की गई है, वहीं उनके बैनर पर लगे तस्वीर पर ब्लेड भी चलाए जाने की बात सामने आई है। निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश यादव ने सुपेला थाना पहुंच इसकी शिकायत भी कराई है। वहीं उनका कहना है कि इसके पीछे उनके विपक्ष में खड़े प्रत्याशी हैं, जो उन्हें जनता के बीच जाने से रोकना चाहते हैं। आज हमने शिकायत की है, जो हमारा केंद्रीय चुनाव कार्यालय है गदा चौक में जो स्थित है, उस कार्यालय में अज्ञात लोगों के द्वारा जो है मेरे फ्लैक्स को फाड़ा गया है और नुकसान पहुँचाया गया है। और इससे पहले मेरे एक कार्यकर्ता के साथ में जलेबी चौक में मारपीट भी हुई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, क्या लोकतंत्र में चुनाव लड़ना इतना बड़ा अपराध है कि कार्यकर्ता के साथ मारपीट होगी, चुनाव कार्यालय में इस प्रकार से तोड़फोड़ होगी? मेरे चेहरे पर उन्होंने ब्लेड चलाया है और कितनी घृणा उनके मन में है मेरे प्रति, जिनके विरुद्ध मैं इस चुनाव को लड़ रहा हूँ उनका जनाधार नहीं है। जनता मुझे पसंद कर रही है, जनता के बीच जब मैं जा रहा हूँ मुझे समर्थन मिल रहा है, इससे वो घबराए हुए हैं, जिसका ये नतीजा है। मैं कुछ नहीं कहूँगा ये किसके द्वारा किया गया है, पर जनता सब समझती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। जेसी सीजे के वैशाली नगर प्रत्याशी दिवाकर भारती ने बताया चुनावी रणनीति, लगातार कर रहे जनसंपर्क। छत्तीसगढ़ में अगले सप्ताह विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसे लेकर प्रत्याशियों ने अब अपनी कमर कस ली है। अलग अलग राजनीतिक पार्टी के नेताओं द्वारा लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में वैशाली नगर विधानसभा के प्रत्याशी दिवाकर भारती ने अपनी चुनावी रणनीति की चर्चा करते हुए बताया कि दोनों ही राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी के साथ केंद्र शासित है और मेरी लड़ाई छत्तीसगढ़िया वर्सेज गैर छत्तीसगढ़िया का है, जिसमें मुझे गैर छत्तीसगढ़िया लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मुझे उत्तर भारत का पूरा समर्थन मिल रहा है जी, और यहाँ पर जो अभी चल रहा है छत्तीसगढ़िया वर्सेस गैर छत्तीसगढ़िया, तो मुझे गैर छत्तीसगढ़ियों का बहुत समर्थन मिल रहा है और मुझे जीत की पूरी संभावना है। और मुझे, मैं विश्वास करता, जनता पर पूरा विश्वास है कि वो मुझे ही मतदान करेंगे, क्योंकि भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उनको लोग बहुत बुरी तरह जानते हैं और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उनको कोई पूरी तरह नहीं जानता है। तो आज हर लोगों में यही चर्चा है कि जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो वैशाली नगर के नहीं हैं, वो बोल दुर्ग में रहते हैं। अब वैशाली नगर की जनता दुर्ग उनको ढूंढने तो जाएगी नहीं, और जो भाजपा के कैंडिडेट हैं वो रहते जरूर यहाँ हैं लेकिन वो मिलते नहीं हैं कभी किसी से, उनका अपना है, वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपना रहे हैं, तो भाजपा को ही नुकसान कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई यू नहीं है। चुनावी चुनौतियां तो बहुत सारी है कि मैं एक तीसरे पार्टी के रूप में लड़ रहा हूं और हमारे सामने धन बल बहुत ज़्यादा है। एक एक कैंडिडेट की केंद्र में सरकार है, एक कैंडिडेट की प्रदेश में सरकार है, तो आर्थिक रूप से तो हम थोड़ा कमज़ोर है ही हैं, लेकिन जनता का समर्थन मुझे पूरा मिल रहा है। हाँ, कांग्रेस में था मैं, लेकिन कांग्रेस में रहने के बाद भी मुझे कांग्रेसियों ने ही प्रताड़ित किया, तो ऐसी कांग्रेस से मैं 2 महीना पहले ही इस्तीफा दे चुका था। बाइट, ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। निर्दलीय विधायक प्रत्याशी जेपी यादव के कार्यकर्ताओं से की मारपीट, बैनर में चलाए ब्लेड। जेपी यादव ने विपक्ष पर जताया संदेह। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ सुरभि वर्मा। इस वक्त हमारे साथ जयप्रकाश यादव जी मौजूद हैं, ये पहले भाजपा भिलाई के जिला मंत्री रहे थे, इसके अलावा ये प्रदेश के मीडिया पैनलिस्ट भी रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव जैसे करीब आया टिकट को लेकर के थोड़ा जो है उतार चढ़ाव आया और उसके बाद रिकेश सेन को वैशाली नगर से भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, उसके बाद से जयप्रकाश यादव जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर लोगों से इन्हें कैसा जो है प्रतिक्रिया मिल रहा है, क्या इनका फीडबैक रहा और इसके अलावा इन चुनावी चुनौतियां क्या क्या है बताएंगे भैया, क्या कुछ चुनावी आप लोग को चुनौतियां देखने को मिल रही है? ये चुनाव जो है जनता तय कर चुकी है कि इस बार 13 नंबर पर ही बटन दबाना है और पूरा वैशाली नगर विधानसभा आलमारी छाप पर
भरपूर आशीर्वाद और प्यार लुटा रहा है, जिससे कि प्रतिद्वंदी घबराए हुए हैं और उनके द्वारा ये छोटी हरकतें, ओछी हरकतें की जा रही हैं जो कि भिलाई के इतिहास में कभी नहीं हुई। भिलाई की फिजा जो है शांत फिजा है और यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों का शहर है, पर ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं और जनता इन सब बातों का उत्तर 17 नवंबर को बटन 13 नंबर में दबाकर आलमारी को जिताकर इन सभी बातों का उत्तर देगी कि लोकतंत्र में इन सब बातों का कोई स्थान नहीं है। मेरा आपसे एक और प्रश्न था, लगातार आप जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते आए और भारतीय जनता पार्टी में कभी मेरे लिए या फिर आपने ऐसा कुछ अपना नाम लेकर के नहीं काम किया होगा, मैं की भावना वहां पर नहीं है जो था भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन फिर जो अब निर्णय लिया आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का, तो अब फिर आपको क्यों लगता है कि फिर आप जनता जो है आपका समर्थन करेगी, क्योंकि आपने लगातार भाजपा के लिए काम किया है। जी, वैशाली नगर में जो निर्णय इस बार आया है, जो राष्ट्रीय पार्टी ने प्रत्याशी थोपा है और जो कि एक दागी प्रत्याशी है, जिसका पूरी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था, पूरी पार्टी ने कहा था कि इस कार्यकर्ता को अगर आप अवसर देंगे तो हम सब लोग इस्तीफा दे देंगे, तो पूरे कार्यकर्ताओं की आवाज बनकर वैशाली नगर विधानसभा का बेटा, उनका भाई, कार्यकर्ताओं के साथ जो उनका अपमान हुआ है इस वैशाली नगर में टिकट के वितरण के निर्णय से, उसका प्रतिशोध लेने मैदान में आया है, कार्यकर्ताओं का प्रतिशोध लेने आया है। मेरा विषय ये नहीं है कि वैशाली नगर से विधायक की टिकट मुझे मिलती, मेरा विषय यह है कि वैशाली नगर विधानसभा में एक से बढ़कर एक जाबाज सिपाही थे, कई ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता थे जिन्होंने 40-50 साल से भाजपा का दरी, झंडा, बैनर सब उठाया और पार्टी की तन मन धन से सेवा की, जीवन जवानी लगाई, ऐसे कार्यकर्ताओं पर नजर क्यों नहीं पड़ी? और यदि टिकट देना था तो ये फूल छाप कांग्रेसी ही मिला था, जिसके द्वारा जो पहले NSY का जिलाध्यक्ष था, पार्षद का चुनाव जिसने कांग्रेस की टिकट से लड़ा था, दो बार भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी को निर्दलीय चुनाव लड़कर हराया, 2021 में क्रॉस वोटिंग की और हर बार सदन में भाजपा के पार्षदों के विपक्ष में खड़े होकर के कांग्रेस के साथ गले में हाथ डालकर जो है जनता के हित में होने वाले विकास कार्यों को रोकने का काम किया, ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्रत्याशी हमने नकार दिया और उन सबकी आवाज बनकर जनता की भावनाओं के अनुरूप जब बहुत सारे लोग मेरे पास आए, समाजों के लोग आए, बहुत सारे पार्टी के वरिष्ठ लोग आए, कार्यकर्ता आए, उन सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं चुनाव मैदान में आ जाया हूँ। 13 नंबर आलमारी चुनाव चिन्ह मुझे मिला है, अगर आप जब परिणाम देखेंगे चुनाव का तो आपको ये समझ में आएगा कि इस आलमारी के अंदर ही कमल का फूल छुपा है और असली भाजपा की ये लड़ाई है नकली भाजपा के साथ में, तो असली भाजपा इस चुनाव को जीत होने पर आप भाजपा में वापस सम्मिलित होंगे। मैंने जब अपना त्याग पत्र दिया पार्टी के सभी पदों से, तो मैंने अपने आदरणीय जिलाध्यक्ष, हमारे जो जिले के मुखिया हैं, उनसे मैंने ये कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे देह को कमल के झंडे से लपेट कर विदा किया जाए, मेरी ये भावना है। मैं जीते जी भाजपा का रहा और जब मैंने त्याग पत्र दिया, बहुत सारे पार्टी के लोग मुझसे संपर्क करके बोले कि हमारी पार्टी से आप प्रत्याशी बन जाइए, मैंने आदर पूर्वक उनके बात का सम्मान किया, परंतु मैंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। मैंने उनसे कहा मैं दल बदलू नहीं हूं, मैं भाजपा में जिया हूं और भाजपा में ही मरूंगा, निर्दलीय चुनाव लड़ना मैंने स्वीकार किया मगर मैंने अपनी पार्टी नहीं बदली, अपनी विचारधारा नहीं बदली। ये जो जयप्रकाश यादव है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही है जो भारत माता की जय बोलते हुए ही चुनाव लड़ रहा है और जय बोलते ही संसार से चला जाएगा। फ्लैक्स फाड़, आपके फ्लैक्स फाड़ने की, आपके पार्टी फ्लैक्स फाड़ने की जो खबर सामने आई थी, इस पे आप क्या कहना चाहते? मेरे फ्लैक्स में मेरे चेहरे पर ब्लेड चलाया गया है, यदि उनको इतनी ही नफरत है मुझसे, तो सीधे मुझसे सामना करें, मेरे फ्लैक्स को फाड़कर क्या मिलेगा, मेरे कार्यकर्ता को पीट कर क्या मिलेगा? आप इतने क्यों भयभीत हैं? आपको तो राष्ट्रीय पार्टी ने चिन्ह दिया है, आपके पास में तो पूरा सरकार, सत्ता, सबकी ताकत लगी है आपको जिताने में, फिर आप एक छोटे से कार्यकर्ता से क्यों डर रहे हैं, इतना क्यों डर रहे हैं? उसका उत्तर यह है कि भाजपा का कार्यकर्ता नेता बनाता है, और उसको लड़ना भी आता है चुनाव, और इस बार जो चुनाव कार्यकर्ता लड़ रहा है उससे ये भयभीत हैं और उनको परिणाम समझ में आ चुका है कि उनकी जमानत जब्त होने वाली है, जिसका यह सीधा नतीजा देखने को मिल रहा है कि फ्लैक्स फाड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ता
के सम्मान में मैं चुनाव लड़ रहा हूं और कार्यकर्ताओं के साथ ही मारपीट की जा रही है। आपको किस पर शक है, ऐसा कौन कर सकता है? आपकी बातों से लग रहा है ये रिकेश सेन के ओर जा रहे। जो मेरे कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई थी उसमें जिन्होंने उनको मारा था, जिन्होंने उनको मारा था उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि तुमको जयप्रकाश यादव का काम नहीं करना है, तुमको रिकेश सेन का काम करना है। ये बातें किस ओर इशारा करती हैं, इसको जनता को और आपको सबको हमको समझने की जरूरत है। जैसा कि आपने सुना कि जयप्रकाश यादव जी ने बताया कि किस तरह उनके कार्यकर्ताओं से मारपीट की गई, और उन्होंने अपने साथ ही साथ बताया कि उनकी चुनावी रणनीति क्या क्या होने वाली है और किस तरह की प्रतिक्रिया उनको लोगों से मिल रही है। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही, अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।